नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। कक्षा 12 वाले सभी दोस्त ध्यान दें, वार्षिक पेपर में आने वाले सभी प्रश्न जो आपको 19 तारीख के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं, आखिरी बार इन प्रश्नों को आपको देखना है, रिवीजन करना है, जल्दी जल्दी करना है। आपको हमारी जो लाइव क्लास है वो सुबह आपको मिल चुकी होगी, नहीं मिली है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको करा दी गई है क्लास, और जो भी दोस्त हैं हमारे जितने भी लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं वो सभी ध्यान दें, शाम को एक और बहुत ही शानदार क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें भी बताए जाएंगे। तो आप सभी दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बटन प्रेस करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आप सभी दोस्तों को, यदि आप दोस्त हमारे चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, घंटी बटन कॉल पर कर लीजिए। जितने दोस्त लाइव क्लास में जुड़ रहे हैं सभी एक बार अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, वहाँ पर मैं ये डालने वाला हूँ, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। सांसों के दो तार प्रतीक हैं, तो ये जीवन के लिए है दोस्त। कवि हरिवंश राय बच्चन उन्मादों से क्या लिए प्रत्यय हैं अवसाद। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, समय ज़्यादा नहीं बचा है, जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है टाइम बहुत कम है। बिना देर किए जल्दी जल्दी इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में, कवि हताश और दुखी है परिवार से बिछड़ने के कारण। आगे क्वेश्चन देखेंगे, गलत मत करना पेपर में आता है तो। शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुँचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तेज उड़ने से। ठीक है, किस से? तेज उड़ने से। आगे देखेंगे दोस्तों कि दिए गए शब्दों के जोड़ों में विरोधाभास मूलक जोड़ा नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सा नहीं है ये बताना है आपको, तो रति में रंग ये आपका नहीं है। आगे क्वेश्चन देखेंगे छठा, पाठ्य पुस्तक में संकलित गीत जल्दी जल्दी ढलता है कहाँ से ये लिया गया है? ठीक है, तो ये लिया गया है निशा निमंत्रण से। ठीक है, निशा निमंत्रण से ये लिया गया है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से विशेषता कुंवर नारायण की कविताओं में नहीं पाई जाती, कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? तो ये विशेषता नहीं पाई जाती दोस्तों, अकबारी सतहीपन। ठीक है, राइट आंसर लगाएंगे आप अकबारी सतहीपन। अगला क्वेश्चन, कवि कुंवर नारायण से शरारती बच्चे के समान खेल रही थी, कौन खेल रही थी? बात खेल रही थी। ठीक है, राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? बात लगाएंगे। अब मुस्कुराएंगे हम पंक्ति में हम है दोस्तों, हम क्या है? दूरदर्शन। केंद्र में बंद अपाहिज में कोरोना के मुकुटे में छिपी की कविता है क्रूरता की दोस्तों। ठीक है, गलती मत कर देना, नहीं तो फिर यहाँ से नंबर आपके कटेंगे, गलती आपने करी नंबर आपके कटे। तो उषा का जादू टूटने का कारण है क्या है? ऐसे क्वेश्चन है ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उषा का जादू टूटने का कारण है दोस्तों सूर्योदय। आगे देखेंगे, संपूर्ण समाज को गरीबी ने घेर रखा है तो रावण के रूप में। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों, लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में भाषा का प्रयोग हुआ दोस्तों, यहाँ पर जो भाषा हुई राम लक्ष्मण से संबंधित अवधि भाषा का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन अगले की बात करेंगे, 14वां, तवा जुन कायम है फितरत का, किसका दोस्तों? फितरत का। आगे देखेंगे, फ्राक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, देखिए फ्राक गोरखपुरी चमक की बात कर रहे हैं, कैसी चमक की? शहरों की चमक की। आगे देखेंगे, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है, माँ अपने प्यारे बेटे को लिए खड़ी है घर के आंगन में। ऐसे क्वेश्चन है जितने भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं लाइव क्लास में 12वीं वाले, एक बार आप सभी दोस्त इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं
आने वाले कल के पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव, खाली स्थान, सही विकल्प, जोड़ी, सब कुछ आपको यहीं से देखने को मिलने वाली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। शाम को आपको बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बहुत ही मतलब बड़ा, ठीक है, जिसमें पूरा आपका हिंदी आ जाएगा, ठीक है, पूरी हिंदी भाषा आपको कंप्लीट करा दी जाएगी, अच्छे से रिवीजन करवा दी जाएगी, ऐसा वीडियो मिलने वाला है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। बुगलों के पंख कविता में आकाश में छाया छाई है कैसी काली। दोस्तों चलिए आगे बात करेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, आगे बताऊंगा वो, पहले सत्यफत्य देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपको सत्यफत्य कर लो, उसके बाद में हम देखेंगे अगला, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी दोस्त देखेंगे और मैं इसका आंसर आप सभी से पूछने वाला हूँ, देखता हूँ कितने दोस्त कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में दिन का पंक्ति सूर्य को माना गया है। जल्दी से मुझे आंसर देंगे आप सभी दोस्त, इसका आंसर क्या होगा? तो इसमें आप आंसर लगा लीजिए, सत्य। थका हुआ पंती रात की आशंका से भयभीत रहता है, बिल्कुल सही। सीधी सी बात छंदों के चक्कर में फंस गई, गलत। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन पर व्यंग किया गया, सत्य। उषा कविता के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, असत्य। नींद से जागा हुआ कुंभकर्ण रावण के समान लग रहा था, असत्य। ठीक है, इसमें भी क्या लगाएंगे आप, असत्य। सातवां देखेंगे, कविता वल्ली सात खंडों में विभाजित है, सत्य। फिराक गोरखपुरी की रुबैया श्रृंगार रस पर आश्रित है, असत्य। गज़ल उर्दू साहित्य की महत्वपूर्ण विधा है, और इसमें लगा लीजिए सभी दोस्त बताएं मुझे, इसमें आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो नवे को भी दोस्तों आप सत्य कर लेंगे, ठीक है, सत्य कर लीजिए। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद है, सत्य। साहित्य का रसायन सम्मान है, ठीक है, असत्य। और बुगलों के पंख कवि के मन को चुराए जाते हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। छायावाद में व्यक्तिक भावना प्रबल है जबकि प्रगतिवाद में सामाजिक भावना, बिल्कुल सत्य। और डॉक्टर नगेंद्र छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है, सत्य। चलिए अगला प्रश्न और देखेंगे, पंद्रवा। प्रयोगवाद के प्रवर्तक शमशेर बहादुर सिंह, दोस्तों गलत है, कौन है, अज्ञ हैं, ठीक है, कौन है, अज्ञ, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे बात करेंगे, सत्यों हम यहाँ पर आपको मैं एक वाक्य में बताने वाला हूँ सभी उत्तर। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, ठीक है, तो महादेव वर्मा को कहा जाता है, आप लिख लेंगे सभी दोस्त। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों कि कल के पेपर में आपको छपे मिलेंगे, वीडियो को बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाइएगा, पूरा देखिएगा। यदि अच्छे नंबर लेना है, 32 में से 32 लेना है तो, ठीक है, और क्लास धमाकेदार हमारी शाम को होगी, उसको भी जरूर देखिएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो महादेव वर्मा हो गया। सरोज स्मृति नामक रचना किस कवि ने लिखी है, जल्दी से मुझे सभी दोस्त कमेंट करके बताएंगे। और प्रकृति का मानवीकरण किस वाद की प्रमुख विशेषता है। खड़ी बोली का प्रतिष्ठित रूप किस युग में प्रकट हुआ। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य कौन सा है। और सामान्य से सामान्य विषयों पर कविता लेखन किस युग की विशेषता है। सांसों के दो तीर किसके प्रतीक हैं। और भाषा के साथ साथ बात कैसी होती गई। सब घर एक कर देना का क्या आशय है। कैमरे में बंद अपाहिज कविता दूरदर्शन की किस मनोवृत्ति को दर्शाती है। ये सभी क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कितने क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ आपको, 15 क्वेश्चन। सभी के आंसर देखिए, ये पहले का मैंने बताया था आपको महादेव वर्मा, दूसरे में आप लिखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरे में आप छायावाद लिखेंगे, चौथे में द्विवेदी युग लिखेंगे, पाँचवें में प्रिय प्रवास लिखेंगे और प्रयोगवाद लिखेंगे, सातवें में जीवन लिखेंगे और आठवें में पेचीदा लिखेंगे और नवे में भेदभाव नहीं रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, सभी क्वेश्चन का आंसर आप अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए दोस्तों 32 नंबर के लिए मैं अगला क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, रिक्त स्थान की पूर्ति। कवि हरिवंश राय बच्चन को अपूर्ण संसार नहीं भाता, कैसा संसार दोस्तों, अपूर्ण खाली स्थान में भरना है आपको, ठीक है। कैमरा एक साथ अपाहिज और वक्ता को रोते हुए दिखाता है, अपाहिज और वक्ता आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे, संसार में पुनः सदोहर भाई नहीं मिलता, ठीक है, भाई नहीं मिलता है। गलती नहीं करना है खालिस्तान में किसी प्रकार की। वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितने भी दोस्त हमारे लाइव देख रहे हैं सभी एक बार शेयर कर देना, सभी शेयर कर दें प्लीज़।
और सब्सक्राइब करके रख लीजिए, आगे भी इसी प्रकार अपडेट मिलती रहेगी। प्रगतिवादी कवि शोषितों के प्रति क्या रखते हैं? सहानुभूति रखते हैं साथियों, और सहानुभूति तथा शोषकों के प्रति आक्रोश का भाव रखते हैं। तो सहानुभूति पहले वाले में, दूसरे में आक्रोश आ जाएगा। हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, जिसको किसने लिखा है दोस्तों? चंद्रवर दाई ने लिखा है, ठीक है, खड़ी बोली में ही लिखा है। आगे देखेंगे जोड़ी, जोड़ी गलती नहीं करना है दोस्तों, किसी प्रकार की गलती नहीं करना है, यहाँ पर आपको सब कुछ बताया जा रहा है। राष्ट्र प्रेम का भाव द्विवेदी युग में, खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग में, कल्पना की प्रधानता, सॉरी यहाँ राष्ट्र प्रेम का भाव भारतेंदु युग आएगा, ठीक है, शायद मैंने द्विवेदी युग बोल दिया था। खड़ी बोली का विकास द्विवेदी युग, कल्पना की प्रधानता छायावाद, यथार्थ का चित्रण इसमें लगा लीजिए प्रगतिवाद, और नए नए उपमानों का प्रयोग प्रयोगवाद। चलिए साथियों आगे हम बात करेंगे जोड़ी की, और भी कुछ महत्वपूर्ण जोड़ी मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको जितने भी दोस्त हमारे देख रहे हैं वीडियो, एक बार अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। कागज़ का एक पन्ना, चौकोर खेत, रुबैया इसको मिला लो छंद, गजल शेर, नए बिंब एवं नए उपमान इसको मिला लो हाला, नहीं उषा से मिलाओ इसको, उषा से मिला लो, उषा से, और गीत इसको हटा देता हूँ, ठीक है, उषा से मिला लोगे गीत इसको मिला लो हालावाद, ठीक है। आप सभी दोस्त देखिएगा, यहाँ पर आगे भी मैं बताऊँगा आपको, सभी दोस्त देखिएगा। सभी दोस्त ध्यान दें, यहाँ पर जोड़ी और बता देता हूँ आप सभी दोस्तों को। ये देखिए दोस्त, और जोड़ी है आपकी, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा उद्देश्य है कि हमारे सभी दोस्तों का नंबर नहीं कटना चाहिए, 32 में से 32 उनके ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। तो आप सभी दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय शंकर प्रसाद इसको मिला लो छायावाद के प्रवर्तक, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, अज्ञ तार सप्तक, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाप्राण इनको कहा जाता है, उमा शंकर जोशी गुजराती कविता, ठीक है। चलिए आपने लिख लिया होगा, आगे देखेंगे, आगे देखिएगा दोस्तों, क्या भूलू क्या याद करूं, ये रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है, कुंवर नारायण, आत्मजयी इनको कहा जाता है, रघुवीर सहाय तो इनको लोग भूलते गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह कुछ कविताएँ, उमा शंकर जोशी गंगोत्री इनकी रचना है। तो ये दोस्तों आपकी हो चुकी है। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आने वाला हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में कल आपको देखने को मिलेंगे, मैं अभी आपको कुछ समय बाद इनको बताऊँगा। तो अगला वीडियो पाना चाहते हो जो पेपर में आएंगे 100% छपेंगे जो ऐसे प्रश्न हैं, तो आप सभी दोस्तों चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी ही आपको वीडियो मिलने वाला है अगला, तो जल्दी से एक बार आप सभी दोस्त शेयर कर देंगे, जल्दी से एक बार शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों को। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।